हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज हम अपने एनवायरनमेंट ऑइंटमेंट सीरीज जो चल रही है, ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी, उसके हम नाइन्थ पार्ट पर आ गए हैं। ये जो सीरीज मैंने चलाई थी, ये किसके किस स्टूडेंट्स के लिए चलाई थी? उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीसीएस लेवल की, या फिर बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो भी एनवायरनमेंट आता है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कोरल रीस्टोरेशन। जो कोरल रीफ्स है वो किस तरीके से रीस्टोर होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो आप प्यारा सा व्यू देख रहे हैं, क्या कोरल रीफ्स का है, तो किस तरीके से रीस्टोर करी जाएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कोरल रीफ्स बनते हैं पानी के अंदर, समंदर के अंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ कोरल रीफ्स बनाए जाते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से उन्हें रीस्टोर करा जा रहा है। तो वही ये पूरा न्यूज में है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कोरल रीफ्स के बारे में, किस तरीके से वो बनती हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका टाइप, और ये कोरल रीस्टोरेशन का प्रोसेस। तो ZSI जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके उन्होंने एक प्रोसेस है रीस्टोरेशन करने के लिए, कोरल रीफ के रीस्टोरेशन करने के लिए, उस प्रोसेस का नाम क्या है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी से मिलके, बायो रॉक टेक्नोलॉजी को अपना के इन्होंने क्या करा है, कोरल रीफ्स को रीस्टोर करने की कोशिश करी है। अब बायो रॉक स्ट्रक्चर वॉज इंस्टॉल्ड 1 नॉटिकल माइल ऑफ द मीठापुर कोस्ट इन द गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, आप गुजरात में देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, अभी आप मैप से मैं आपको समझाऊंगा। तो गल्फ ऑफ कच्छ का जो एक कोस्टल एरिया है मीठापुर, वहां पे 1 नॉटिकल माइल्स तक, 1 नॉटिकल माइल्स में है देखा जाएगा, वहां पर ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके वहां पर कोरल रीफ्स को रीस्टोर करा जाएगा। अभी समझ लीजिएगा 1 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.85 किलोमीटर होते हैं। तो आप मैप में देखेंगे अगर, तो ये वाला पूरा एरिया है कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ का, ये वाला, ये गल्फ ऑफ कच्छ का एरिया है, इधर ये मीठापुर कोस्ट है। तो यहाँ पर 1 नॉटिकल माइल्स तक इधर ही रिस्टोर करा जाएगा। तो अभी मैप जरूर देखिएगा, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब आप देखेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में अबाउट बायो रॉक टेक्नोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरल रीफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ओशियन लाइफ के लिए, है ना, एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है वो। ठीक है, तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। बायो रॉक इज द नेम गिवन टू द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रो अक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए बायो रॉक का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रो अक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल, इलेक्ट्रो माने क्या है, बिजली की मदद से या किसी भी करंट की मदद से आप मिनरल को एक्यूमुलेट कर रहे हो, एक्यूमुलेट माने इकट्ठा कर रहे हो। कहाँ पर, जो किस, कहाँ से आप उस मिनरल को निकाल रहे हो, समंदर के पानी से। किस पे वो इकट्ठा हो रहा है, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर पे। आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टील स्ट्रक्चर है या फिर लोहे का स्ट्रक्चर है, स्टील कह देते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिजली की मदद से रॉड लगा के बिजली प्रोवाइड करी जाएगी, इसमें करंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, और बेसिकली कौन से मिनरल्स की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और वो यहाँ पर इन रॉड्स पर ये स्पाइक्स पर चिपक जाएगा, और क्या बनेगा, वो कोरल का स्ट्रक्चर बना लेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोरल का एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। जो कोरल है वो सीक्रेट करता है अपने बॉडी में से क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, उसी से वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से इस बायो रॉक टेक्नोलॉजी से हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आप समझ पा रहे होंगे इस प्रोसेस को। द टेक्नोलॉजी वर्क बाय पासिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स इन द वाटर। देखिए इलेक्ट्रोड्स का मतलब आप समझ लीजिए, आप सबके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें हम पानी डालते हैं, आपको पता है कि पानी डालते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो उसके अंदर जो रॉड पड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कब काम करते हैं, जब उसके अंदर कोई भी हम ऐसा मिनरल डालें या वाटर डालें जिसमें हम अगर बिजली दें तो क्या होता है, वहाँ पे आयन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, बिजली बनती है। तो इन्वर्टर में क्या होती है, बिजली बनती है, स्टोर होती है, इसी तरीके से तो काम होता है। तो जो रॉड्स पड़े होते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोड्स। तो ये टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है कि अगर हम करंट दे रहे हैं इलेक्ट्रोड्स को वाटर के अंदर, तो उसी पर ही काम करेगी, जिससे क्या होगा, वो कैल्शियम आयन्स को या फिर कैल्शियम कार्बोनेट आयन्स को इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। अब देखिए इसको पहले समझ लीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, देखिए ये बिजली का सोर्स है, सोलर कलेक्टर हो गए, कोई भी कलेक्टर हो गया, कहीं से भी बिजली बन रही है, तो जो दो रॉड जुड़ते हैं, दो रॉड जो होंगे
उन पे अलग अलग चार्ज होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड की रॉड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप समझ रहे होंगे ये वाली बात, आपने केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट होगा वो इस बात को समझ रहा होगा, और बाकी बहुत ही जनरल है, सब समझ पाएंगे इसे, कि ये जो रॉड जुड़ा हुआ है कैथोड वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो एनोड है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब देखेंगे, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है कैथोड पर, मैंने कहा कि जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज है उस पर जो भी आयन आएगा, मतलब जो भी उस पर आयन आएगा, देखिए है ना कार्बोनेट आयन, क्या बोलते हैं इसे हम, कार्बोनेट आयन, जिसपे क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, हमेशा आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। हमेशा दो दो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैथोड यहाँ पे जो कैथोड है सही है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और उस पर कौन से आयन आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज, कार्बोनेट आयन। और जो दूसरा यहाँ पर एनोड है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और उस पर कौन से आयन आ रहे हैं, कैल्शियम आयन, पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैल्शियम आयन कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से काम करता है ये। तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड होगा और नेगेटिवली चार्ज कैथोड होगा, प्लेस्ड ऑन अ सी फ्लोर, उसे कहाँ लगा दिया जाएगा, समंदर के अंदर लगा दिया जाएगा, नीचे जमीन में, मतलब फ्लोर पे लगा दिया जाएगा, और उस पर क्या क्या करा जाएगा, करंट पास करा जाएगा। करंट पास करने से क्या होगा, कैथोड पर क्या आके जमा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आयन, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कार्बोनेट आयन, और एनोड पर क्या जमा हो जाएगा, कैल्शियम आयन। तो ये दोनों जब चीजें जमा हो जाएंगी तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेशन करेंगे, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बन गया। अब वही है कि कोरल लार्वा अडहर टू द कैल्शियम कार्बोनेट एंड ग्रो क्विकली। अब क्या होगा, जो कोरल का लार्वा है, ऐसे क्या होता है कि जो कोरल है उसका जो लार्वा है, लार्वा मतलब जो बच्चा फॉर्म है उसकी, जो छोटा बेबी है, वो क्या करेगा, अपने बॉडी से सीक्रेट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, बट यहाँ पे उन्हें नॉर्मल बना बनाया मिल रहा है ऑटोमेटिक इस प्रोसेस के द्वारा, तो वहां पर आराम से रह सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और ये कोरल रीफ्स बन सकते हैं कलरफुल आराम से, ठीक है। द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन कोरल्स आर टाइड टू द बायोरॉक स्ट्रक्चर वेयर दे आर एबल टू ग्रो एटलीस्ट 4 to 6 टाइम्स फास्टर। देखिए जो फ्रेगमेंट्स है वो जुड़ते जाएंगे इस पे पूरे जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, कोरल जुड़ते जाएंगे, और ये जो प्रोसेस होता है इसमें ग्रोथ कैसी होती है, 6 टाइम फास्टर होती है। अगर नेचुरल प्रोसेस से करा जाए तो बहुत स्लो होगा, बट ये आर्टिफिशियल तरीका है तो इसमें क्या है, 4 to 6 टाइम फास्टर प्रोसेस होता है कि कोरल्स यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए। देन देयर एक्चुअल ग्रोथ एज दे नीड नॉट स्पेंड देयर एनर्जी इन बिल्डिंग देयर ओन कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। तो वही बात है कि जो कोरल लार्वा है उसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, किस लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। यहाँ पे उन्हें ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक घर मिलेगा, बस वहां पे वो रहेंगे, और उनके ऊपर कुछ एल्गेज आके जुड़ते हैं जिसको हम जूजैंथिन्स बोलते हैं। आप समझते हैं, एल्गे आके जुड़ते हैं इनके ऊपर, जो कलर्स होते हैं ना कोरल्स के, इंपॉर्टेंट अलग अलग कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, आकर्षित कलर्स होते हैं, वो किन की वजह से आते हैं, जो उनके ऊपर एल्गे रहता है, एल्गे उनके साथ जुड़ के रहता है, और वो एल्गे अलग अलग तरीके के कलर देते हैं, जैसे हम नाम, उन एल्गेज का नाम क्या होता है, जूजैंथिन्स, ठीक है। आगे आप देखेंगे उसके बारे में। तो देखिए इस तरीके से सेल्फ पावर्ड स्ट्रक्चर होता है ये, देखिए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप कह देंगे पॉजिटिव चार्ज कैथोड है और नेगेटिव चार्ज एनोड है, यहाँ पर आके जुड़ेगा और यहाँ पर बिजली दी जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनने लगेगा और ये कोरल्स आके यहाँ पर जुड़ने लगेंगे, इस तरीके से ये काम करेगा। तो आप भी समझ रहे हैं, ओके। देखिए ओरिजिनल डायग्राम है ये वाला, ये किस तरीके से देख रहे हैं, पूरे डोम शेप्ड है, पूरा स्टील का, इसके ऊपर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। अब देखिए कितने सारे कोरल आके जुड़ गए हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, हेल्दी कोरल जूजैंथेल इन कोरल टिश्यू। देखिए ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के कोरल्स हैं, इसके ऊपर ये एल्गे आके जुड़ गए हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं, तो ये एल्गे क्या है, जूजैंथेल, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बट क्या होता है कि इनकी कोरल्स की ब्लीचिंग हो जाती है, ब्लीचिंग आप समझते होंगे, कपड़ों पर ब्लीच करवाते हैं लोग, ब्लीच क्यों करवाते हैं, रंग उड़ जाता है तो ब्लीचिंग से, ठीक है। तो कोरल रीफ्स में भी क्या होता है कि ब्लीचिंग होने लगती है उनकी, क्या होता है ब्लीचिंग, क्यों, कि वो पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। अब सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, अब कारण ये है कि कुछ अनवांटेड कंडीशंस की वजह से कोरल रीफ जो होते हैं उसके अंदर से जो जूजैंथेल उनके अंदर रहता है वो या तो मर जाता है या वो उसे छोड़ के चला जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है पानी का वो खराब हो गया है।
तो ये पॉल्यूशन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये होता है कंडीशन, जब पानी वहाँ का गर्म हो जाता है उसकी कंडीशन की वजह से भी होता है। तो वहाँ के जो जूजेंथल रहते हैं कोरल्स में, वो निकल के भाग जाते हैं। जब वो निकल के भाग जाएंगे तो उनमें कलर्स ही नहीं रहेगा, कलर नहीं रहेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। तो क्या है, आप समझ रहे होंगे कोरल्स के बारे में। तो कोरल रीफ्स आर वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो आप समझ रहे हैं बायोलॉजिकली डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम है। आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी तो आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर या फिशेज वगैरह हैं, कोरल रीफ्स के अंदर ही अपने स्ट्रक्चर अपना घर बना लेती हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे मरीन लाइफ रहती है उसी में, कोरल्स के अंदर आसपास ही। इकोलॉजिकली कोरल रीफ्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर द काउंटर पार्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए, अगर आप जमीन की बात करें तो जमीन पर क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे जैसे सुंदरबन हो गया, वो रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरीके के क्या रहते हैं, डाइवर्सिटी रहती है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बनती रहती है, अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। उसी तरीके से क्या है, कोरल रीफ्स भी इस तरीके का काम करते हैं कि पानी में मरीन लाइफ में भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहें और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। ठीक है, कोरल रीफ्स इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड इकोसिस्टम विच अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल हैबिटेट्स। देखिए, सिंपल बात है कि कोरल रीफ से क्या होगा कि एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट बनेगा, हैबिटेट माने घर बनेगा, किसके लिए, फिशेस के लिए या वहाँ पर जो आसपास जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए। ठीक है, इन एडिशन कोरल रीफ्स आर क्लाइमेटोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइमेट चेंज। देखिए, जो कोरल रीफ्स बनते हैं ना, बहुत सालों साल तक रहते हैं, बहुत सालों साल तक रहते हैं। अब उससे क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो ये देख पाते हैं कि इतने सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो लॉन्ग टर्म वहाँ का क्लाइमेट है उसको वो मेंटेन कर पाते हैं, उसकी वो जांच कर पाते हैं कि क्या क्या टेम्परेचर रहा होगा यहाँ पे, कैसा वातावरण रहा होगा। तो इसकी स्टडी के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहते हैं। अब भारत में क्या है, कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए, बहुत सारी जगह पर भारत में आप देखेंगे, देखिए बहुत सारी जगहों पर आपको कोरल रीफ्स मिलते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पर हॉटस्पॉट है एक तरीके का, जहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं। देखते हैं आप यहाँ पे, और महाराष्ट्र में मालवर हो गया, महाराष्ट्र में मालवर है, या अंग्रिया बैंक हो गया महाराष्ट्र में, ये सब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अंग्रिया बैंक है ना, ये अंग्रिया बैंक है, अभी लेटेस्ट पाई गई है महाराष्ट्र के पास है ये बैंक। ठीक है, क्या नाम है, अंग्रिया बैंक। तो यहाँ पर भी कोरल्स पाए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप नाम याद रखिएगा भारत। ओके, रिसेंटली न्यू कोरल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन अंग्रिया बैंक। देखा मैंने बताया आपको कि ये जो अंग्रिया बैंक है, यहाँ पर न्यू स्पीसीज पाई गई है कोरल रीफ की। इट इज अ शैलो सबमर्ज्ड अटॉल आइलैंड लोकेटेड 100 माइल्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, उससे 100 माइल्स अंदर जाएंगे आप पानी की तरफ। तो कैसा एरिया है, शैलो सबमर्ज्ड एरिया। शैलो माने मतलब ज़्यादा गहरा नहीं कह सकते, शैलो सबमर्ज्ड एरिया है, वहाँ पर आइलैंड बन जाते हैं जिसका नाम है अटॉल आइलैंड्स। देखिए, अटॉल आइलैंड्स के नीचे फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोरल्स भी जो बनते हैं वो भी तीन तरीके से बनते हैं। उसमें से एक जो तरीका है क्या है, कोरल एटॉल्स। वो कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है हम। ठीक है, अब जब पानी का लेवल बढ़ता है तो आइलैंड क्या होगा, सबमर्ज करता जाएगा नीचे, बट आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किनारे किनारे पर, रिम पर कोरल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर बनते रहेंगे। बट जब पानी का लेवल ऊपर होगा तो ये जो आइलैंड है ये नीचे दबता जाएगा। बट कोरल्स अपनी जगह पर रहेंगे, ऐसे ऐसे गोल सर्कल में कोरल्स रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कोरल्स बन जाते हैं, इस तरीके से ही बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉल। तो इस तरीके के एटॉल आइलैंड्स था पहले, वहाँ पर कोरल्स बन गए थे, कहाँ पर, अंग्रिया बैंक में। द पेक्यूलैरिटी ऑफ अंग्रिया बैंक कोरल इज दैट इट इज इन द मिडल ऑफ द सी, अनलाइक अदर कोरल्स विच आर ईदर कोस्टल और आइलैंड कोरल्स। देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर ये है अंग्रिया बैंक का, जो कोरल्स बने हैं वो बीचों बीच में बने हैं, मिडिल में, समंदर में बीचों बीच में बने हैं। बट इस तरीके से कभी फॉर्मेशन होता नहीं है कोरल्स का। कोरल्स का जनरली फॉर्मेशन क्या होता है, या तो वो कोस्ट लाइन पर बनेंगे किनारों पर, या फिर आइलैंड्स के किनारे बनेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया वॉल्केनिक आइलैंड्स के किनारे पर बनेंगे। बट अंग्रिया में कैसे बने हैं, बीच में बने हैं, तो वो नया स्टाइल है थोड़ा। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अंग्रिया बैंक वाला। ठीक है, मेजर्स टेकन फॉर कोरल रिस्टोरेशन। अब कोरल रिस्टोरेशन के मेजर्स हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या उसके लिए ट्रीटीज हुई हैं, वो आप देखिए। ग्लोबल मेजर्स,
ग्लोबली क्या हुआ है और भारत में क्या हुआ है। ग्लोबली आप देखेंगे तो चैप्टर 17 ऑफ एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 साइन करा गया था जिसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, तो उसमें चैप्टर 17 है जिसमें स्पेसिफिकली बात करी गई है किसकी, मरीन और कोस्टल एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की। मरीन और कोस्टल एनवायरमेंट माने कि समंदर के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो UNCLOS क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो इसमें ये बात करी गई थी, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई थी कब, एजेंडा 21 जब साइन करा गया था और उसमें चैप्टर नंबर 17 है उसमें बात करी गई है किसके बारे में, मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की और कोस्टल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI इज एन इनफॉर्मल पार्टनरशिप, एक तरीके की इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, मतलब सिर्फ इनफॉर्मल है, ऐसी दोस्ती दोस्ती में हो जाती है कि हम दोस्ती दोस्ती में क्या कर रहे हैं, दो कंट्रीज मिलके कुछ ट्रीटी साइन कर लेती हैं। बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच स्ट्राइव टू प्रिजर्व कोरल रीफ्स, तो इनफॉर्मल पार्टनरशिप है जिसमें क्या बात करी गई, कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करा जाएगा, बहुत सारे नेशंस से वो जुड़े हुए हैं कोरल रीफ्स के प्रोटेक्शन के लिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, क्या है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन एनवायरमेंट ओ सॉरी मॉनिटरिंग सेंटर, इट वर्क्स विद साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स वर्ल्ड वाइड टू प्लेस बायोडाइवर्सिटी एट द हार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग। देखिए इनका भी काम क्या है, साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स जुड़े हुए हैं, जो क्या देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से मेंटेन हो रही है, ढंग से मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, और बाकी पूरे एनवायरमेंट पर वो ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से पीपल और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो भी ध्यान दी जाती है कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर में। सॉरी मेजर्स टेकन इन इंडिया, इंडिया में भी काफी सारे मेजर्स लिए गए हैं किसके लिए, कोरल रीफ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट्स कोरल रीफ अंडर, अब देखिए भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोरल रीफ को बचाने के भी काम करें, किस किसके अंडर में, कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम इसके अंडर में, उसके साथ साथ और क्या है, लैंड ओशियन इंटरेक्शन इन कोस्टल जोन, नाम आप याद रखिएगा, एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, तो इसके अंडर में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करेगा किसको, कोरल रीफ्स को। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड हैज सेट अप नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब वो ये CRZ के अंडर, मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर में सेटअप करा गया किसका, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या हो गए, दो अथॉरिटीज हो गई, एक नेशनल लेवल पर हो गई एक स्टेट लेवल पर हो गई, सॉरी, जिसका काम क्या है, कोस्टल या कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है। तो अथॉरिटीज के तो नाम है आपको रटने पड़ेंगे, आपको समझने नहीं है इसमें क्या है, ये रटना पड़ेगा बस आपको। कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम, अ सर्विस इनिशिएटेड फ्रॉम INCOIS यूजेस द सैटेलाइट डिराइव्ड सी सरफेस टेम्परेचर, देखिए अब इसको समझ लीजिए कि कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम जारी करा गया कि कोरल ब्लीचिंग कहाँ पे हो रही है, किसके हिसाब से हो रहा है, कौन सा इनिशिएटिव है, किसने लिया है, INCOIS ने। उसमें क्या होगा कि वो सैटेलाइट से नजर रखेंगे किस पर, समंदर के पानी पर, सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट जो टेम्परेचर को देख पाते हैं, मतलब टेम्परेचर को फील कर पाते हैं। आपने बहुत सारी इमेज देखी होंगी कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो कलर कैसा दिखता है, रेड दिखता है, कम टेम्परेचर है तो ब्लू दिखता है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको पता चलता रहेगा। तो सैटेलाइट क्या होगा, सी सरफेस के टेम्परेचर को देखता रहेगा, तो जहाँ पर भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा या स्ट्रेस होगा वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ब्लीचिंग हो गई है। तो ऐसे अलर्ट जोन बनाए जाएंगे जिससे सैटेलाइट से पता चलता रहे कि कहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा है और लो हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, पलाऊ इज फर्स्ट कंट्री टू बैन रीफ टॉक्सिक सन क्रीम, देखिए जो पलाऊ है एक कंट्री है, देखिए कहाँ पर, फिलीपींस के पास है पलाऊ, देखिए पैसिफिक ओशन में इक्वेटर से ऊपर ये पलाऊ, ये पहला ऐसा कंट्री है जिसने सनस्क्रीन, कैसे रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन है जो कोरल रीफ्स को जो हानि पहुंचाए, ऐसे सनस्क्रीन लोशन होते हैं उसे इसने बैन करा है। कहाँ पर है ये लोकेटेड, पैसिफिक ओशन में है, तो जो कोरल रीफ्स को या सी लाइफ को हानि पहुंचाए ऐसे स्क्रीन सनस्क्रीन लोशन उन्होंने बैन कर दिए हैं। तो कौन से सनस्क्रीन लोशन बैन करे हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रीडियंट पाया जाएगा, ऑक्सीबेंजोल जिसमें पाया जाएगा, ऐसे सनस्क्रीन लोशन बैन कर दिए गए हैं।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोरल रीफ फाउंडेशन द बैंड केमिकल्स कैन कॉज. अब देखिए इंटरनेशनल कोरल रीफ फाउंडेशन के अनुसार जो केमिकल बैन करे गए हैं वो क्या कर सकते थे, वो कोरल्स को कैसे हानि पहुंचाते हैं. कोरल्स टू बिकम मोर ससेप्टेबल टू कोरल ब्लीचिंग, उससे क्या होता है कोरल ब्लीचिंग ईजिली हो जाती है. जो कोरल का डीएनए होता है उसको भी डैमेज पहुंचता है. और बाकी जो छोटे जो जुवेनाइल कोरल्स होते हैं जो बच्चे होते हैं वो भी डिफॉर्म या फिर मर जाते हैं इसकी वजह से. किसकी वजह से, ऑक्सीबेंजोन की वजह से. तो सबसे पहला कंट्री याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं इस तरीके से. आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच.